Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. भारत के हर हिस्से में अनेक भव्य और चमत्कारिक मंदिर हैं। इनमें से कई मंदिर पौराणिक कथा से जुड़े हुए भी हैं, तो कई ऐसे हैं जो दूसरी तरह से अनूठे होते हैं। ऐसा ही एक मंदिर है बिहार के चंपारण में, जहां स्थापित शालिग्राम का आकार लगातार बढ़ रहा है। यहां के शालिग्राम के पिंडी का बढ़ता आकार एक पहेली बना हुआ है। ये पिंडी पश्चिमी चंपारण के बगहा पुलिस जिला स्थित पकी बावली मंदिर के गर्भगृह में है। ऐसी मान्यता है कि 200 साल पहले नेपाल नरेश जंग बहादुर ने इसे भेंट किया था। तब इस शालिग्राम पिंडी का आकार मटर के दाने से कुछ बड़ा था। इसे लाकर यहां बावड़ी के किनारे मंदिर के गर्भगृह में रख दिया गया। अब पिंडी का आकार नारियल से 2 गुना बड़ा हो गया है और यह अब भी लगातार बढ़ता जा रहा है। यहाँ के लोग इसे जागृत शालिग्राम मानते हैं। मंदिर बावड़ी के किनारे पर है। यहाँ और भी कई मंदिर हैं। ये मंदिर काफ़ी पुराने हो चुके हैं। शालिग्राम की पिंडी के दर्शन के लिए दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ आते हैं। करीब 200 साल पहले तत्कालीन नेपाल नरेश जंग बहादुर अंग्रेजी सरकार के आदेश पर किसी जागीरदार को गिरफ्तार करने निकले थे। तभी उन्होंने बगहा पुलिस जिला में अपना कैंप लगाया था। उस वक्त यहाँ एक हलवाई नेपाल नरेश के ठहरने की सूचना पाकर थाल में मिठाई लेकर उनके पास पहुँचा। राजा हलवाई की मेहमान नवाजी से काफ़ी खुश हुए और उसे नेपाल आने का न्योता दिया। बाद में हलवाई के नेपाल पहुँचने पर उसका भव्य स्वागत हुआ। उसी दौरान वहां के राज पुरोहित ने उसे एक छोटा सा शालिग्राम भेंट किया था। हलवाई ने शालिग्राम लाकर एक विशाल मंदिर बनवाया और उसमें उन्हें स्थापित कर दिया। शालिग्राम दुर्लभ किस्म के चिकने और आकार में बहुत छोटे पत्थर होते हैं। ये शंख की तरह चमकीले होते हैं। शालिग्राम को भगवान विष्णु का रूप माना जाता है। वैष्णव इनकी पूजा भी करते हैं। ये रंग में भूरे, सफ़ेद या फिर नीले हो सकते हैं। आम तौर पर शालिग्राम नेपाल के काली गंडकी नदी के तट पर पाए जाते हैं। कहते हैं कि एक पूर्ण शालिग्राम में भगवान विष्णु के चक्र की आकृति अंकित होती है। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.